हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं 14.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आपको बोला गया है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप्स। जो आपको टेबल दिया गया है वो लाइफ टाइम दिया गया है 400 नियॉन लैंप्स का, ठीक है। अब लाइफ टाइम इन आवर्स में है, मतलब कितने घंटे को एक लैंप चलता है। 300 से 400 घंटे में 14 लैंप चलते हैं और 400 टू 500 के बीच में हमारे पास 56 लैंप्स हैं, ठीक है बेटा। चलिए तो ऐसे आपको ये टेबल दिया गया है, आप इसको क्वेश्चन आगे आपको बोलना है यहाँ पे रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ अ हिस्टोग्राम। आपको एक हिस्टोग्राम बनाना है, तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए बेटा सबसे पहले हम क्या लेंगे, यही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेंगे आप। ओके बेटा, ये आपने ले लिया वाई एक्सिस और ये जीरो ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस के लिए। एक्स एक्सिस पे आप क्या लेते हैं, लाइफ टाइम लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे लाइफ टाइम इन आवर्स, ये आ गया आपके पास। फिर आपके पास क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ लीव्स है, वो वाई एक्सिस पे आते हैं, नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है। और बेटा यहाँ पे आप देख रहे हैं जो क्लास इंटरवल आपके पास कंटिन्यूज है बट वो जीरो से स्टार्ट नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे एक्स एक्स पे क्या देंगे, यहाँ पे ब्रेक डालेंगे। ओके, तो क्लास इंटरवल जो है इक्वल डिस्टेंस पे आप ले लेंगे सबका, ठीक है। 300 आ जाएगा, 400 है, 500, 600, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो 86 है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो 14 है। तो यहाँ पे आप 10 का स्केल ले लीजिए, कितना 10 का। ठीक है, ये आपने ले लिया 10 का स्केल। ओके चलिए अब आप ड्रा करिए हिस्टोग्राम। 300 टू 400 के बीच में 14 लैंप है, 10 और 20 का हाफ हो जाएगा 15, इसके थोड़ा नीचे आ जाएंगे एक पॉइंट नीचे तो वो आ गया आपके पास 14, इसके नीचे आएगा एक नंबर, ठीक है, तो वो आपने ले लिया यहाँ पे 14। ओके चलिए नेक्स्ट हमारे पास है 56, वो आएगा आपके पास 50 और 60 के बीच में, वो आ गया 55। 55 से एक लाइन आप ऊपर ले लेंगे, वो आ जाएगा आपके पास 56। ये आ गया आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 500-600 के बीच में है 60, तो 60 आपके पास एग्जैक्ट है, यहाँ पे ये ले लिया आपने 60 पॉइंट, ये आ गया आपके पास 60। नेक्स्ट आपके पास 600-700 के बीच में है 86 आ जाएगा आपके पास 80 और 90 के बीच में 85, उसके ऊपर लाइन आ जाएगी तो वो आ जाएगा आपके पास 86। ओके नेक्स्ट आपके पास है 700-800 के बीच में 74, 70 और 80 के बीच में आ गया 75 और एक लाइन नीचे आ जाएगा 74। यहाँ पे लाइन टेढ़ी होगी थोड़ी सी, ये सीधी कर लेंगे आप, यहाँ पे भी टेढ़ी है ये भी सीधी कर लो, ठीक है, ये आ गया आपके पास 74। ओके बेटा, सॉरी 74 है, कितना चाहिए था आपको। यहाँ पे देखिए हमारा कौन सा ही चल रहा है इंटरवल 600 और 700 के बीच में 86 है, ठीक है, 700-800 के बीच में 74 के बीच में आ गया 74, ये आपने पॉइंट लिया, ये आ गया 74, ठीक है बेटा, ये आ गया आपके पास 74। अब नेक्स्ट आपके पास है 800-900 के बीच में 62, तो 62 आपके पास आ जाएगा, 60 और 70 का हाफ, और आप यहाँ पे क्या करेंगे 60 के ऊपर 2 स्टिक ले लेंगे, 1 और 2, ये आपने 2 लाइन लगा दी यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया आपके पास 62।
ओके चलिए अब आपके पास 900 1000 के बीच में 48 आ जाएगा आपके पास, 40 और 50 का हाफ, और यहाँ पे 52 के नीचे दो लाइन लगा लो, ये दो लाइन लगा ली आपके पास 48 आ गया, ठीक है ये आ गया आपके पास 48। ओके बेटा ये आपका हिस्टोग्राम रेडी हो गया। ओके आपको हिस्टोग्राम बनाना था, ये आपने ले लिया यहाँ पे। और आपको क्या बोला है सेकंड पार्ट में, हाउ मेनी लैंप्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700, तो कितने लैंप है जिसकी लाइट जो है मोर देन 700 है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला इस इंटरवल में आएगा 700 के नीचे, 700 वाला इंक्लूड होगा इसमें। तो इन्होंने बोला है हमें वो बताने हाउ मेनी लैंप्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700, तो मोर देन 700 जो है वो कौन से आ जाएंगे आपके पास, ये वाले आ जाएंगे, ठीक है 700 के बीच में जो है 7 से लेके 1000 के बीच में ये आ जाएंगे आपके पास मोर देन 700। तो सेकंड पार्ट का आंसर आप लिखेंगे लैंप्स मोर देन 700 आर 74 प्लस 62 प्लस 48 ये आ जाएगा 802 10 10 और 4 14 184 आपके पास ये लैंप्स आ गए। ओके क्लियर है बेटा, चलिए हो गया आपका ये क्वेश्चन, थैंक यू।